सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि ईवल एंड रश ये गेम फाइनली रिलीज हो चुका है एंड मैं इसको खेल भी रहा हूँ ऑफलाइन। वो अलग बात है, मैंने इसका गेम प्ले अभी तक अपलोड नहीं किया है बट मैं जल्दी ही कर दूंगा। तो इसी के साथ मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट करके पूछा था कि मैं नेक्स्ट जो न्यूज है वो किस गेम पे लाऊं, मतलब किस गेम पे नेक्स्ट न्यूज होनी चाहिए मेरी अपकमिंग। तो उस पे काफी सारे मैंने ऑप्शन दिए थे, जैसे कि ग्रैनी, मिस्टर मीट, ईवल एंड और आइस क्रीम, जिसकी मैं न्यूज देता रहता हूं। तो इसमें ज्यादातर वोट, यानी 50% से ज्यादा वोट लोगों ने आइस क्रीम को दिया है, देन उसके बाद ग्रैनी, देन मिस्टर मीट और सबसे कम यहां पे ईवल एंड को मिले हैं वोट। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले ईवल एंड की। यस, सो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज आइस क्रीम 7 की। तो जी हाँ, सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि कैप्लेरियंस वालों का ब्रांड न्यू गेम ईवल एंड रश फाइनली आ चुका है एंड इसको अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा नहीं, मतलब एक्चुअली काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो क्योंकि आप लोगों ने डिमांड करी है कि मैं आइस क्रीम की न्यूज लाऊं, तो जी हाँ, अभी हम लोग आइस क्रीम की ही बात करेंगे। तो आइस क्रीम के आने के चांसेस कितने हैं और कब तक हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईवल एंड का जो भी सीन होना था अब हो चुका है, यानी ईवल एंड मेज आ चुका है एंड द ब्रोकन मास्क उसका एक अलग सीन है, वो अभी डेवलपमेंट का उसका जो काम है वो चल रहा है। तो अभी उस गेम का आने का कोई सीन नहीं है फिलहाल एंड ये 100% श्योर हूं मैं कि ईवल एंड ब्रोकन मास्क के आने से पहले ही आइस क्रीम का चैप्टर 7 आ जाएगा, क्योंकि आइस क्रीम के रिलीज होने का टाइम अब धीरे धीरे बहुत नजदीक आ रहा है। क्योंकि ये महीने होते ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये वो टाइम होता है जब आइस क्रीम का गेम कोई ना कोई जरूर आता है। आप लोग हिस्ट्री देख लो, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक कोई ना कोई चैप्टर इन महीनों में जरूर आया है। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा चांस जिस गेम के आने के हैं वो है मिस्टर मीट चैप्टर 2। अभी आपको पता ही होगा कि ईवल एंड रश क्योंकि आ चुका है, तो उसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा कंप्लीट गेम अगर कैप्टेरियंस वालों का कोई है तो वो है मिस्टर मीट चैप्टर 2, जिसके बारे में कैप्टेरियंस वाले काफी बता भी चुके हैं, उसका मैप भी वो लोग दिखा चुके हैं ज्यादातर एंड काफी सारी चीजें उसके बारे में क्लियर हो चुकी हैं। इसका मतलब वो गेम ऑलमोस्ट डन है, अब जस्ट उस गेम की रिलीज डेट अनाउंस होनी बाकी है। जिस दिन उस गेम की रिलीज डेट आ जाएगी उसके बाद हमारा फाइनल जो गेम होगा वो होगा आइस क्रीम चैप्टर 7। तो अभी हमको शायद आइस क्रीम के चैप्टर 7 के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा एंड इस बीच हमको मिस्टर मीट चैप्टर 2 देखने को मिलेगा। बट आई थिंक गाइस, इतना वेट हम लोग कर सकते हैं क्योंकि आइस क्रीम जो गेम है ना वो बाकी गेमों से बिल्कुल हटके है, जो कि आप सब कई बार कह चुका हूँ। पहली जो आइस क्रीम गेम है वो बाकी गेमों से बिल्कुल डिफरेंट है, पॉपुलैरिटी के मामले में भी और हर चीज के मामले में। मतलब इस गेम का आना कैप्टेरियंस का ये सबसे बड़ा गेम होता है, तो कैप्टेरियंस वाले चाहेंगे कि आइस क्रीम जो जब रिलीज होगा तो वो परफेक्ट हो बिल्कुल और स्पेशली रिलीज हो। तो या थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा हमको आई थिंक आइस क्रीम 7 के लिए। बाकी देखते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि कैप्टेरियंस वाले सरप्राइज देने में बहुत ज्यादा माहिर है, इसलिए हो सकता है कि हमको इससे रिलेटेड कोई सरप्राइज भी देखने को मिले, मे बी। तब तक के लिए बाय, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।